कर सकते हैं करने का प्रयास कीजिए। 5-5 सेकंड में सभी श्वास को भरें। मन पूर्ण शांत हो, सहज हो। अभी अनुलोम विलोम हेडेक माइग्रेन पेन में भी बहुत लाभकारी अभ्यास है। साइनस में जिनको भी बीपी की समस्या है, स्ट्रेस एंजाइटी, उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। सुरोमिया जैसी विकृतियों में भी लाभकारी है। 5-5 सेकंड में सभी सांस को भरेंगे और 5 सेकंड में बाहर करिए। इनहेल एक्सहेल करते हुए हर पल हर क्षण जब भी श्वास को अंदर लेंगे तो मन ही मन कामना करिए कि हमारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा प्रतिष्ठित हो। और जब भी श्वास को बाहर करेंगे तो कामना करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से हमारे तन के व मन के समस्त विकार, सब आसक्तियाँ, जो भी विकार है मानसिक शारीरिक, वो सभी बाहर हो रहे हैं। प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण में एक सकारात्मक ऊर्जा से स्वयं को अभिषिप्त करने का प्रयास करें। कंटिन्यू इनहेल एक्सहेल करते रहेंगे। मन को पूर्ण शांत रखें, सहज रखेंगे। ऐसे 5-5 सेकंड में आप श्वास को भरेंगे। 5 सेकंड में ही श्वास को बाहर करिए। हर एक श्वास के साथ पूर्ण समग्रता का भाव, एक विश्वास हो, ऐसे उत्साहित होकर, संकल्पित होकर, अनुग्रहित होकर, दायां हाथ जिनका भी दुखे वो बाएं हाथ को लगाएंगे। बायां हाथ दुखेगा तो फिर दाएं को लगाएंगे। कंटिन्यू ब्रीथिंग करते रहिए। एक क्षण के लिए भी ध्यान ना हटे, एक समग्रता का भाव। दूसरे हाथ में ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा आदि का चयन करते हुए मन को शांत और सहज करते हुए एक विश्वास के साथ हर पल हर क्षण में प्रभु के साथ पूर्ण एकाकार होते हुए एक वास्तविक चेतना, दिव्य चेतना, एक अलौकिक चेतना को अपने भीतर अनुभव करते रहिए। प्रत्येक श्वास में उसे वर्णन करने का प्रयास करिए। आंखें बिल्कुल बंद हो, मन शांत हो। हर एक श्वास के साथ आपका नर्वस सिस्टम भी सक्रिय हो, आपके इंटरनल ऑर्गेन्स तो सक्रिय होते ही होते। प्रत्येक श्वास के साथ जिनको भी हर्ट में ब्लॉकेज, उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव होता है। श्वास संबंधित व्याधियों में भी लाभकारी माना जाता है। ऐसे समग्रता का भाव निश्चय के साथ सभी पूर्ण विश्वास को जिज्ञासा के साथ, जिनको भी एनर्जी है शरीर की किसी भी अंग प्रत्यंग पर, आपको कोई भी तनाव या दबाव, ये एक ऐसा अभ्यास है जो ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छा करता है। साथ ही साथ शरीर की 72,72,10,201 नस नाड़ियों को शुद्ध करने का भी ये कार्य करता है। संपूर्ण शरीर की संपूर्ण आंतरिक अंगों को तो सक्रिय करता ही करता है। ऐसे एकाग्रता का भाव, एक प्रसन्नता हो, कुशलता हो, विनम्रता हो आपके लिए। हर एक श्वास के साथ पूर्ण उत्साहित होकर, संकल्पित होकर, अनुग्रहित होकर जीने का संकल्प करें। ऐसे श्वास पर श्वास डीप ब्रीथिंग करते रहिए। इनहेल एक्सहेल करते हुए हर एक श्वास के साथ निम्न चेतना से उच्च चेतना की तरफ अग्रसर, लोअर कॉन्शियस से हायर कॉन्शियस की तरफ जो जाने की विधि है उसका नाम ही हो। हर पल हर क्षण में ऐसे सकारात्मकता को अपने भीतर अनुभव करिए। शरीर के किसी भी अंग प्रत्यंग पर आप तनाव या दबाव नहीं अनुभव करेंगे। और ऐसे हर पल हर क्षण में एक दिव्यता को अपने भीतर वर्ण करते हैं, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन को अपने भीतर घटित करते हैं, रूपांतरण के साथ एकाकार होने का प्रयास करिए। असत्य से दूर होकर सत्य के साथ, अधर्म से दूर होकर धर्म के साथ, हर पल हर क्षण में ऐसे पूर्ण विश्वास का भाव एक अनुष्ठान की तरीके से सभी करते रहे। 5-5 सेकंड में श्वास को भरिए और 5 सेकंड में बाहर करेंगे। हर एक पल हर एक क्षण। अब जिनको भी स्किन डिजीज है, सोराइसिस, एक्जिमा जैसी विकृतियां हैं, उनके लिए भी अनुलोम विलोम बहुत इफेक्टिव अभ्यास है। प्राण ऊर्जा आपके शरीर में अधिक से अधिक इस अभ्यास को करने से प्रतिष्ठित होती है। संपूर्ण शरीर की समस्त नस नाड़ियां शुद्ध हो जाती है, ऊर्जावान में होती है। शरीर के किसी भी अंग पर आपको झुंझुनाहट, ब्लड सर्कुलेशन गति होने की वजह से ये विकृतियां उत्पन्न होती हैं, उनके लिए भी बहुत लाभकारी हो जाता है। अब आइए एक बार दोनों हाथों के अतिरिक्त धीरे धीरे उन्हें रब करेंगे।
और उस वाइब्रेशन को यहाँ पे अनुभव किया करो, बगल वाले की आवाज़ नहीं सुनना। यही एक बात विशेष ध्यान में रखेंगे, आपको वाइब्रेशन जो है वो आप मस्तिष्क में अनुभव करेंगे। ठीक, चलिए अब सब कान के अंदर ऐसे अंगूठों को डालेंगे। सबसे पहले आप इसमें भी देखो दो तीन तरीकों से करते हैं, एक भ्रामरी जैसे आप सामान्य स्थिति में ऐसे करते हैं, एक सांभवी मुद्रा के साथ करते हैं। तो उसमें क्या होता है आप देखेंगे, इंडेक्स फिंगर यहाँ पे होती है, ठीक, मिडिल फिंगर इस तरीके से आती है और रिंग फिंगर जो है वो नासिका के नीचे आती है और फिर ये ओट के नीचे आ जाती है, लिटिल फिंगर जो होती है। ठीक, तो ये अलग अलग मुद्राएं होती हैं, इनके साथ आप अभ्यास को कर सकते हैं। अब कान के अंदर सब अंगूठे को डालिए, शेष तीनों उंगलियां आंख को पर, पहली उंगली पांव पर, अब एक साथ एक स्वर तीन बार सभी भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। आंखें बंद, अब एक मिनट मौन हो जाइए, प्रणव के साथ एकाकार होंगे, बंद आंखों से अपने हर आते जाते श्वास पर ध्यान लगाएंगे, सहस्रार से लेकर मूलाधार चक्रों को भी देखने का प्रयास करेंगे, अपने संपूर्ण शरीर के संपूर्ण आंतरिक अंगों पर पूरा ध्यान लगाएंगे। मन शांत हो, सहज हो, दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा आदि का चयन करते हुए अपने संपूर्ण शरीर को बिल्कुल ढीला कर देंगे। देह में रहते हुए विधेय अनुभव करिए, मन पूर्ण शांत हो, सहज हो, सर्वत्र उस प्रभु की कृपा और दया को अनुभव करने का प्रयास करें। हर आती जाती श्वास के साथ एक सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर अनुभव करिए। जब भी श्वास को बाहर करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से अपने तन के व मन के समस्त विकारों को, सब प्रकार की आसक्तियों को, असहजताओं को बाहर करने का प्रयास करें। हर श्वास पर पूरा ध्यान लगाएंगे, किसी भी कार्य को ईमानदारी, जिम्मेदारी, समझदारी और बहादुरी के साथ करने का संकल्प करते हैं। साधना, उपासना, आराधना को जीवन का अभिन्न अंग मानते हुए हर पल हर क्षण जीने का संकल्प करते हैं। अपने आप को और सहज करके शांत करते हैं, प्रणव के साथ एकाकार होते हुए श्वास को इतना धीरे धीरे लेंगे कि स्वयं को ना अनुभव हो कि अब हम कब हम इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं। अपने आप को और सहज करिए, शांत करिए, अब बंद आंखों से माता पिता का दर्शन कर सकते, गुरुओं का, अपने ईष्ट का, ब्रह्म का, उनके साथ एकाकार होकर जीने का संकल्प करें। अपने आप को और सहज करिए, सब प्रकार की अपूर्णताओं से स्वयं को दूर करते हुए पूर्णता पूर्वक जीने का संकल्प करें। हर आती जाती श्वास के साथ